हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ सरोजनी नगर मार्केट समर कलेक्शन का एक्सप्लोर करने। तो चलिए मेरे साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरोजनी नगर में एंट्री करते के साथ ही ये आपको यहाँ पे साइड में ही एक इयररिंग्स का स्टॉल नज़र आएगा। इन इयररिंग्स का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप गोवा वगैरह जा रहे हैं घूमने तो ये वाले इयररिंग्स काफ़ी सूट करने वाले हैं आपके आउटफिट पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी कलरफुल आपको यहाँ पे मिलेंगे इयररिंग्स। ये जो दूसरी साइड ये इयररिंग्स का जो कलेक्शन था, इसमें काफ़ी सिटी वर्क वाला काम हो रखा था। तो अगर आप सरोजनी नगर मार्केट आ रहे हैं तो इस वाली शॉप को ज़रूर एक्सप्लोर करें। एंड उसके बाद मैं एक शॉप के अंदर आई थी। इसमें ये जो टी शर्ट का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था एंड काफ़ी ब्रांडेड टी शर्ट थी। ये जो डफी डक वाली आप टी शर्ट देख रहे हैं, ये द शॉल स्टोर की टी शर्ट थी। और काफ़ी और भी ज़्यादा यहाँ पे जो टी शर्ट थी ये शॉल स्टोर की थी। तो अगर आप आ रहे हैं तो इस वाली शॉप पे ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था इस वाली शॉप का, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आपको प्रिंट में चाहिए, काफ़ी अच्छे प्रिंट भी था, और प्लेन सिंपल आपको चाहिए तो वो भी आपको यहाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्विटी वाली जो टी शर्ट है, ये काफ़ी आजकल ट्रेंड में ही है। एंड ये कुछ डाई एंड टाई वाली जो टी शर्ट्स थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है इन वाली टी शर्ट का भी। और ये टी शर्ट का प्राइस यहाँ पे ऑल ओवर जो भी सारी टी शर्ट हैं वो सिर्फ आप यहाँ पे 200 में ले सकते थे। और 200 में इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैंने खुद यहाँ पे दो टी शर्ट बाय करी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली हैं। वाली टी शर्ट काफ़ी अच्छा उनका कपड़ा निकला है। एंड यहाँ पे कुछ नाइट शूट का भी कलेक्शन था। तो अगर आप आ रहे हो तो इस वाली शॉप पर ज़रूर विज़िट करें। ये जो कुछ टॉप का भी कलेक्शन था, इन टॉप का प्राइस 250 था एंड टी शर्ट का 200। और सरोजनी नगर मार्केट की जो शॉप हैं उनके कंपैरिजन में मुझे इस वाली शॉप का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इनकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मतलब 200 में आपको इस तरीके की क्वालिटी मिलना इम्पॉसिबल है, तो ज़रूर विज़िट करें। अब मैं आ गई थी इयररिंग का, यहाँ पे एक स्टॉल लगा हुआ था एंड काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इस वाली शॉप का। तो यहाँ पे मैंने भैया से बार्गेनिंग करने की भी कोशिश की थी, तो भैया इजीली बार्गेनिंग कर रहे थे। तो अगर आप इस वाली शॉप पे आ रहे हैं तो इजीली आप यहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले इयररिंग्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी हैं। तो अगर आप इस वाली शॉप पे आ रहे हैं तो आपको डिसअपॉइंट होने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। इस शॉप पर क्लच का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। ये पोटली वाले बैग एंड साइड बैग आपको काफ़ी रीजनेबल रेट पे यहाँ पे मिल जाएंगे। इस पोटली वाले बैग के भैया ने 200 रुपीज़ बताए थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इन वाले पोटली वाले बैग की। इस वाली शॉप पे 100 और 200 की सेल लगी हुई थी। आप यहाँ पे वाटर बॉटल्स, कप, ग्लासेस वगैरह ले सकते हैं। एंड ये भैया बार्गेनिंग भी कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि सरोजनी नगर में आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते इस वाली शॉप पे। इन वाली शॉप पे आप ज़रूर बार्गेनिंग करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो रेट होते हैं वो अपने काफ़ी ज़्यादा हाई बताते हैं, तो आप बार्गेनिंग करके ही बाय करें। यहाँ पर ये वॉच की एक शॉप थी जहाँ पे 150 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा था वॉच का प्राइस। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पर एक मुझे ये शॉप नज़र आई जहाँ पे रिंग का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। ये बटरफ्लाई वाली रिंग पर जो भैया थे उन्होंने 50 रुपीज़ बताया प्राइस। एंड उसी के साइड में ये बहुत अच्छे प्रिटी झुमका थे, इनका भी प्राइस भैया ने स्टार्टिंग प्राइस 50 रुपीज़ बताया था। इस वाली शॉप पर रिंग का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। एंड इसी वाली शॉप के अंदर ये कुछ नेक पीस वगैरह भी थे एंड ये साइड में कुछ बेंगल्स वगैरह भी थे। तो अब इस वाली शॉप पे आपको ऑल ओवर हर चीज़ देखने को मिलेगी, बट डेफिनेटली इस वाली शॉप का कलेक्शन जो था वो काफ़ी अच्छा था। वेडिंग वगैरह के लिए आप यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। ये 200 का स्टॉल लगा हुआ था एंड इस वाले स्टॉल पे जो ये टॉप थे उनका कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ट्रेंडी कलेक्शन था इस वाले स्टॉल के अंदर। तो अगर आप सरोजनी नगर आ रहे हैं तो ऐसे वाले स्टॉल को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग जो टॉप्स वगैरह होते हैं वो लगे हुए होते हैं। सरोजनी नगर मार्केट के अंदर बॉयज़ का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाली शॉप के अंदर बॉयज़ की ये कुछ शर्ट थी, प्रिंट शर्ट, चेक शर्ट, काफ़ी अच्छी प्लेन शर्ट भी थी, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था एंड मटेरियल भी काफ़ी अच्छा था इन वाली शर्ट का।
इस वाली शॉप के अंदर 150 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। 150 रुपीज़ में आप यहाँ पे कुछ भी, जो ये ट्रेंडिंग टॉप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये रेड वाला, इसका नेक आगे का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड ये ड्रेसेस भी 150 रुपीज़ में यहाँ पे सेल में आपको मिल रही थी। सरोजनी नगर मार्केट आपको पहले से बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये 100 रुपीज़ की जो पटरियाँ लगी होती थी वो अब नहीं है, वो अब शॉप के अंदर ही लगी हुई होती हैं, तो आपको इस तरीके से पूरा खाली नज़र आएगा रोड। अब मैं आ गई थी इस वाली शॉप के अंदर। इस शॉप के अंदर बॉडीकॉन ड्रेसेस का काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था, एंड यहाँ पे ये कुछ टॉप वगैरह का भी अच्छा कलेक्शन था। इस शॉप के अंदर डेनिम का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन था। ऑल ओवर आपको यहाँ पे ये बॉडीकॉन ड्रेसेस एंड स्कर्ट वगैरह का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इस वाली शॉप के अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये कुछ डेनिम वाली शर्ट एंड ये वाइट चेक वाली शर्ट आपको यहाँ पे मिलेंगी, एंड समर के लिए आपको यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह भी देखने को मिलेंगी। तो ऑल ओवर आपको यहाँ पे ड्रेस एंड शर्ट, टी शर्ट, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी एक ही शॉप के अंदर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको इस वाली शॉप का कलेक्शन दिखाया था, एंड मैं दोबारा आपको इस वाली शॉप का कलेक्शन दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा नया कलेक्शन आया हुआ था समर का, तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे प्रिंटेड शर्ट और चेक वाली शर्ट आपको देखने को मिलेंगी, एंड काफ़ी अच्छा कपड़ा भी था इन वाली शर्ट का। इसी वाली शॉप के अंदर ये कुछ वॉल क्लॉक और यहाँ पे आपको पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगी। पेंटिंग्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन था पेंटिंग्स का, जैसे कि आप देख सकते हैं बुद्धा वाली पेंटिंग एंड ये राधा कृष्ण वाली पेंटिंग। तो आपको इस वाली शॉप पे ऑल ओवर हर तरीके की पेंटिंग देखने को मिलेगी, एंड काफ़ी रीज़नेबल रेट भी था इन वाली पेंटिंग्स का। अब मैं आ गई थी ये शूज़ की शॉप के अंदर। आपको इस वाली शॉप के अंदर कैंपस एंड स्पार्क्स के शूज़ देखने को मिलेंगे। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का ही कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। स्टार्टिंग प्राइस जो भैया ने बताया वो 500 रुपीज़ बताया था, एंड आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा। ऑनलाइन के कंपेरिज़न में आपको यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल रेट मिलेंगे। इस वाली शॉप के अंदर ये 200 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। 200 रुपीज़ में आपको यहाँ पे टी शर्ट, शर्ट, टॉप, ड्रेसेस वगैरह सब चीज़ें मिल रही थी ओनली रुपीज़ 200। तो इस वाली शॉप पे अगर आप आ रहे हैं तो जो भी चीज़ आप ले रहे हैं उनको अच्छे से चेक करके लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 200 रुपीज़ की सेल में ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कुछ कटा फिटा रहता है, तो इसलिए अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हैं तो चेक करके ज़रूर लें। ग्रेफिटी लेन के ठीक सामने ये हैंडबैग्स का एक शॉप लगती है। काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है इस वाली शॉप का, एंड रीज़नेबल रेट होते हैं। 350 रुपीज़ की यहाँ पे सेल लगी हुई होती है। तो अगर आप आ रहे हैं तो इस वाली शॉप पे ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इस वाली शॉप के अंदर 100 रुपीज़ में ये बहुत प्रिटी नेक पीस थे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बटरफ्लाई वाला एंड ये सनफ्लावर वाला काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये वाले नेक पीस। तो इस वाली शॉप के अंदर ये नेक पीसेस थे जो कि भैया यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीज़ में दे रहे थे, तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इस वाली शॉप का। आप ज़रूर विज़िट करें इस वाली शॉप के अंदर। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरी वीडियो को ज़रूर करें।